गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, हमारा EVS में लेसन नंबर 9 जर्नी ऑफ फूड चल रहा है। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सेफ्टी मेजर्स टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। फसलों के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या सेफ्टी करनी चाहिए, एक्सप्लेन करें। फर्स्ट पॉइंट है, यूज़ द पेस्टिसाइड्स इज़ वेरी कॉमन फॉर प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स फ्रॉम रैट्स, पेट्स, बर्ड्स एंड लोकस्ट। रैट्स, चूहों से और पेट्स से और बर्ड्स से और लोकस्ट से बचाने के लिए जो है कॉमन है एक पेस्टिसाइड जो कि दवाइयां, नशीली दवाइयां यूज़ की जाती हैं। क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड व्हेन दे आर राइप, जब वो फसलें पक जाती हैं तब उन्हें काट दिया जाना चाहिए। सीरियल्स एंड पल्सीज आर स्टोर इन गनी बैग्स, दालों को और अनाज को गनी बैग्स में स्टोर करके रखना चाहिए। वाइल जबकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को किस में पैक किया जाता है, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस और वुलन के बॉक्सेस में पैक करके रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज ए कॉमन मैन गेट फूड स्टफ। कॉमन मैन के पास फूड जो है वो किस तरह से पहुँचता है। फूड स्टफ आर प्रोड्यूस इन द फार्म, फार्म में प्रोड्यूस किया जाता है। दे आर सेंट फ्रॉम फार्म टू मंडी, फार्म से मंडी में पहुंचाया जाता है। द रिटेलर ब्रिंग दीज फ्रॉम मंडीज एंड प्रोवाइड टू कॉमन मैन, और वहां से जो रिटेलर होते हैं मंडी से ख़रीदते हैं और कॉमन मैन को प्रोवाइड वहां से किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द मैनर इन विच प्लॉइंग इज़ डन। प्लॉइंग किस तरह, मतलब उसे एक्सप्लेन करना है कि जब प्लॉइंग की जो प्रक्रिया होती है, जो जुताई होती है, वो किस तरह से उसको कंप्लीट किया जाता है। प्लॉइंग इज़ अ फार्म टूल फॉर टर्निंग द सॉयल बिफोर सोइंग सीड्स और प्लांटिंग। प्लो जो होता है, जोतना जो होता है, वो बीज बोने से पहले मिट्टी में उसको खुदाई की जाती है। प्लांटिंग, प्लांट देने से पहले और सीड बीज बोने से पहले की प्रक्रिया है। द प्राइम पर्पस ऑफ प्लोइंग इज़ टू टर्न ओवर द अपर मोस्ट सोयल, सोयल को अच्छे से जोता जाता है। दिस प्रोसेस इज़ डन बाय ट्रैक्टर और बाय द बुल्स, और इसे ट्रैक्टर के द्वारा या फिर बुल्स के द्वारा, बैलों के द्वारा किया जाता है। सोयल इज़ मेड रिच इन द न्यूट्रिएंट्स बाय एडिंग मैन्योर, और सॉयल को जो है वो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, मैन्योर उसमें खाद मिलाई जाती है। एंड द सीड आर सोन विच टर्न इनटू क्रॉप्स, और जो तब उनके में जो बीज हैं वो बोए जाते हैं और वो फसल के रूप में हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है, डिफाइन द रोल ऑफ मंडी इन सप्लाई ऑफ फूड स्टफ। फूड स्टफ का सप्लाई करने में मंडी का क्या रोल है। मंडी इज़ अ प्लेस वेयर द फूड स्टफ फ्रॉम वेरियस प्लेसेस रीच इन लार्ज क्वान्टिटी। मंडी एक ऐसी जगह है जहाँ पर वेरियस प्लेसेस, बहुत सी जगहों से लार्ज क्वांटिटी में फूड स्टफ पहुँचाया जाता है। द होलसेल मार्केट इज़ नोन एज मंडी। मंडी को क्या कहते हैं, होलसेल मार्केट के रूप में भी जाना जाता है। नंबर वन है, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स और ट्रेन्स ट्रांसपोर्ट द फूड स्टफ टू मंडी। ट्रक, ट्रैक्टर और ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करके फूड स्टफ जो है वो मंडी में पहुँचाया जा, मंडी में पहुँचाने के बाद क्या है कि द मर्चेंट्स एट द मंडी बाय द फूड स्टफ इन बल्क क्वांटिटी। जो मर्चेंट होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो मंडी से बल्क क्वांटिटी में, मतलब कि थोक के भाव में, वो थोक में मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में वो वहाँ से फूड लेकर आते हैं। एंड द मर्चेंट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड स्टफ टू वेरियस प्लेसेस। और जो मर्चेंट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से अलग अलग जगहों पर फूड को वो भेजते हैं। ठीक है, तो आपको ये लर्न करने हैं एंड राइट डाउन करने हैं ये क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में। ओके, थैंक यू।